आपको बता दूं कि मैं जा रहा हूं यूरोप, लेकिन मैं कौन सी कंट्री जा रहा हूं यूरोप की, इस पर अभी एक सस्पेंस है। लेकिन जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भाई स्वागत है आपका इंडिया में। सो भाई जो बोर्डिंग पास मिलने की खुशी होती है ना, हालांकि जा तो मैं इंडिया ही रहा हूं। ये है एक बियर, बियर एक ही देते हैं यार, अगर दो देते तो मजा आ जाता। सो गाइज आज मैं अपने दिमित्री भाई को अलविदा कह रहा हूँ, तो बाय बाय, पक्का पक्का। तो भाइयों मैं आपको कल से बोल रहा हूँ कि आपको किसी भी मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट जाना है ना, तो आपको मेट्रो का ही यूज़ करना है। उसके बाद ये बस मिलती है यहाँ से, मैं जा रहा हूँ SVO एयरपोर्ट पर, तो यहाँ से 1195 की बस जाती है जो आगे लेके जाएगी। पीछे से हम लोग मेट्रो में आए थे, तो आप लोग भी मेट्रो का और बस का ही यूज़ करना क्योंकि बहुत सस्ती है यहाँ पर। तो चलते हैं भाई, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ आज मैं फिर दोबारा, चलते हैं एयरपोर्ट पर, देखते हैं आज क्या होता है। सो भाइयों मैं हूँ इस वक्त मॉस्को के SVO एयरपोर्ट पर, भूख लग रही है भैया, कुछ खाने के लिए मैकडी ढूंढ रहा हूँ, मैकडी वाला कोई नहीं मिल रहा यहाँ, और कॉफ़ी मिल रही है 550 रूबल की। तो भैया आप भी आते हो तो पीछे से अपना लेके आना खाना वाना, बाहर से मैकडी के बर्गर ले आना, उसके अंदर डालकर, बैग के अंदर डालकर। भैया भूख लग रही है बहुत ज़ोर की, और बहुत कुछ एक्सपेंसिव है यहाँ पर भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते इतना एक्सपेंसिव है यहाँ पर। सो क्या कर सकते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ ढूंढते हैं खाने लायक। तो भाइयों 500 रुपए की कॉफ़ी मिल रही है, 500 रुपए लेते हैं, देखते हैं। सो भाई जो बोर्डिंग पास मिलने की खुशी होती है ना, हालांकि जा तो मैं इंडिया ही रहा हूँ, लेकिन यार रशियन पुलिस मेरे को मतलब एक घंटे तक मेरे से सवाल जवाब किए कि कैमरा किस लिए है, ये है वो है, और मैंने सारे सवालों के जवाब दिए। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर, सो मेरा प्लेन पता नहीं कहाँ खड़ा है। एक घंटा तक भाई सवाल जवाब किए मुझसे, सारा चैनल चेक किया, मेरे आज तक किसी भी कंट्री में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मतलब कोई गलत उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे से, बस उन्होंने सवाल जवाब किए मेरे से कि YouTube पर कितने टाइम से हूँ, और लास्ट में फिर मेरे साथ वो फ्रेंडली हो गए। तो भाई फाइनली अब मुझे लगता है कि मैं दिल्ली के लिए उड़ जाऊँगा, और बड़े 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 प्लेन खड़े हैं भाई यहाँ पर। भाई एयरपोर्ट बहुत शानदार है, यहाँ बैठकर आप पैग पुग भी लगा सकते हो। ये देखो लोग पैग लगा रहे हैं इधर बैठकर। सो भाई मैं फिर आऊँगा रशिया यार, एक्चुअली एक महीने में मुझसे ज़्यादा घूमा नहीं गया रशिया, बस एक बैड मेरे साथ ये हो गया कि मेरा आईफोन चोरी हो गया, वो मेरे को हमेशा सारी उम्र याद रहेगा। तो भाइयों चलते हैं 19 नंबर गेट पर, फिर बात करता हूँ, कुछ खा लेता हूँ यार, भूख बहुत लगी है, मैकडी में तो मैकडी भी नहीं है यहाँ पर। सो चलते हैं। तो भाई अब ये टूर वाकई में अच्छे कारणों के लिए भी याद रहेगा, और आईफोन चोरी हुआ उसका भी याद रहेगा। खैर टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, दो दिन मैंने भरपूर टेंशन ली, दो दिन मैंने बहुत टेंशन ली, उसके बाद मैंने अपने आप को समझा लिया यार। सो भाइयों यहाँ पर भी इंग्लिश का हाल वही है जो मॉस्को में था, बहुत ही कम लोगों को इंग्लिश आती है। मुश्किल से गूगल ट्रांसलेट की सहायता से मैंने एक कॉफ़ी ऑर्डर की है, पहले उसने ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर कर दी, तो मैंने कहा मुझे ब्लैक कॉफ़ी नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने उनको क्या किया ना, गूगल पे मैंने उनको फ़ोटो डाउनलोड की, और फ़ोटो डाउनलोड करने के बाद मैंने उनको बताया कि मुझे ये पीना है, उनके बाद उन्होंने मुझे ये वाली दी है भाई साहब, ये देख सकते हो,
तो भूख लग रही है, फ्लाइट में अभी 2 घंटे पड़े हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ये पी लेते हैं, और तो क्या कर सकते हैं, भूख बहुत लग रही है यार। और खाना तो मुझे और भी कुछ था यार, लेकिन इन लोगों को ना बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रही है, मैं अब इनको कैसे समझाऊँ, फ़ोटो दिखा दिखा के इनको थक गया मैं कि मुझे ये खाना है वो खाना है। खैर कॉफ़ी ठंडी हो रही है, पहले कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद देखते हैं क्या खाते हैं। सो भाई आलू फिंगर थे वो ज़्यादा मंगा लिए, और एक तो मैंने फिनिश कर दिया है, ये डब्बा तो मैंने खाली कर दिया, सॉस बची है इसके अंदर, ये डब्बा अभी पूरा का पूरा पड़ा है, तो मुझे लगता है कि ये डब्बा अपने को काम आएगा। वैसे तो फ्लाइट के अंदर खाना देंगे, अगर नहीं भी देंगे तो आज ये चलेगा, फ्लाइट के अंदर आज मेरे को दे दे 2 बियर मज़ा आ जाएगा भाई। एक बियर देते हैं उससे कुछ भी नहीं होता है, उल्टा एक बियर पी के ख़राब और होते हैं, फिर और नीड पीने का मन करता है। सो भाइयों बोर्डिंग शुरू हो जाए, अब तो बैठते हैं प्लेन के अंदर और सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंच जाऊंगा भाइयों। मैं फ़िलहाल के लिए आज इस ट्रिप को यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियोस को आप इतना प्यार दे रहे हो, थैंक यू आपका। तो मिलेंगे किसी नई डेस्टिनेशन पर, और मैं कल लाइव आऊँगा ना, अगर कल नहीं, कल मैं घर नहीं पहुँचूँगा, कल मैं दिल्ली में ही रुकूँगा, परसों मैं लाइव करूँगा। कितने बजे लाइव आऊँगा परसों मैं ये सब बातें आपको मैं इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर बता दूँगा। आप जितने कोई क्वेश्चन है भाई आ जाना, और उसमें खैर वीडियो भी बनाने वाला हूँ ना अलग से आपके लिए, तो भाई जितने क्वेश्चन है पूछ डालो, जितने क्वेश्चन है, तो मैं एक वीडियो बनाकर काम ख़त्म कर दूँगा। दूसरी बात है, रशिया का वीज़ा कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग खुद भी ले सकते हो, किसी एजेंट के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है यार, सिर्फ आपको आपके हाथ में एक स्मार्टफोन होना चाहिए, आप खुद कर सकते हो, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। खैर उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाएंगे ना, कैसे वीज़ा लेना है, क्या कुछ करना है, तो अभी देखेंगे, अगर मूड हुआ तो मैं अंदर शूट करूँगा, नहीं तो हो सकता है कि आज इस सीरीज का ये लास्ट वीडियो हो ना। तो फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और सब्सक्राइब कर देना ना अगर मन हो तो, बाकी मैं ज़्यादा बोलता नहीं, आपको बताइए ना। सो भाइयों जिसने बोर्डिंग पास दिया था उसकी थोड़ी रिक्वेस्ट की, तो उसने विंडो सीट दे दी है, वैसे मेरी किस्मत में विंडो सीट बहुत कम आती है, लेकिन आज आ गई है। सो भाई ये प्लेन काफ़ी बड़ा है, एयर इंडिया का है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार का है भाई, और बीच में इसके एक रो भी है जिसमें सीटें हैं, यानी कि आप कह सकते हो 3, 3 और 3 ऐसा वाला है। और सो भाई थोड़ा सा बोर्डिंग लेट हुई है आज, आई डोंट नो क्या कारण था। सो भाई रशिया को छोड़ रहे हैं अब, सो ये वाला टूर याद रहेगा बहुत कारणों से, है ना, कुछ अच्छे कारण और कुछ बुरे कारणों की वजह से। खैर सो गाइस ये है रोस्टेड पीनट, मतलब पीनट है, नमकीन पीनट है, और ये है बिरयानी, और शाकाहारी है ये दाल के साथ, और ये है एक बियर एक ही देते हैं यार, अगर 2 देते तो मज़ा आ जाता। ये है गोभी का पराठा, ठंडा था लेकिन अच्छा था, टेस्टी था, और इसके साथ साथ इन्होंने मुझे मीठे में दिया ये गुलाब जामुन, इसके साथ ये है बटर, और इसके बाद इन्होंने मुझे दिया दही, मीठा दही है ये, और दही के साथ है ये अचार, और इसके साथ ये है एक बर्गर लगा लीजिए, इसके अंदर मक्खन लगा कर मैंने खाया। तो भैया ये हिसाब किताब है फ्लाइट के अंदर।
सो गाइस, हमेशा की तरह मैं लास्ट ही उतरता हूँ, कोई जल्दी नहीं करता हूँ। तो जब पूरा प्लेन खाली हो जाता है तभी आप, मैं, मेरी आदत है, मैं उतरता हूँ। सो भाई चलते हैं। खैर, स्वागत है आपका इंडिया में। सो गाइज, यहाँ पर भी कोविड टेस्ट होता है, तो देखते हैं फ्री में हो रहा है या पैसे लग रहे हैं। जो भी है मैं बता देता हूँ आपको। अभी बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, तो देखते हैं। सो गाइज, एक बात और बता दूँ, जिन लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी ना, जैसे कोई कतर होके आ रहा है, उन लोगों का कोविड टेस्ट हो रहा है यहाँ पर और 2,000 रुपये लिए जा रहे हैं। और अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट से आ रहे हो तो शायद आपका कोविड टेस्ट नहीं होता है यहाँ पर। बाकी देखते हैं आगे। और जो लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट से आ रहे थे, शायद उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है। सो इस बात का आप ध्यान रखें थोड़ा सा। बाकी खैर देखते हैं। मैं तो अपना लगेज कलेक्ट करने जा रहा हूँ बेल्ट नंबर 12 पर। सो चलते हैं। सो गाइज, सो फाइनली मैं इंडिया आ गया हूँ और 33 दिन मैंने रशिया में बिताए। बहुत ही अच्छा टूर था। और बस एक चीज़ मेरे साथ गलत हो गई, आप लोगों को पता ही है कि मेरा आईफोन 12 प्रो चोरी हो गया था वहाँ पर। सो अगर उसको छोड़ दें तो सारा टूर बहुत अच्छा गया। तो अभी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अभी मैं कौन सी कंट्री हूँ। तो मैं इंडिया आ चुका हूँ और अब मैं कौन सी कंट्री जा रहा हूँ मैं आप लोगों को बता दूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं जा रहा हूँ यूरोप, लेकिन मैं कौन सी कंट्री जा रहा हूँ यूरोप की, इस पर अभी एक सस्पेंस है। लेकिन जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि मैं कौन से देश जा रहा हूँ। तो दीपावली के बाद मैं उड़ जाऊँगा किसी न किसी कंट्री के लिए। तो आप लोगों ने रशिया सीरीज को इतना प्यार दिया तो आपका तहे दिल से मैं थैंक यू करता हूँ। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पर भी अपना एक पेज है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए यार। और आने वाले कुछ दिनों में मैं यूरोप जा ही रहा हूँ और आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे यूरोप के। पर वीज़ा आ जाए, वीज़ा मैंने अप्लाई कर रखा है, वीज़ा अभी नहीं आया है, लेकिन आ गया तो जरूर जाएंगे। अगर नहीं भी आया तो किसी ना किसी कंट्री में तो जाएंगे, ठीक है। सो ये कुछ टूर था मेरा रशिया सीरीज को, बहुत आप लोगों ने पसंद किया मेरा। तहे दिल से मैं आपको फिर थैंक यू करना चाहता हूँ। मुझे सपोर्ट कीजिए यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल मैं लाइव आऊँगा शाम को, तो आप लोग आ जाना अगर किसी को कोई पूछना हो तो, ठीक है। तो थैंक यू आप लोगों का अगेन। और वीडियो को आप लोग, मेरे जितने भी रशिया के वीडियो हैं, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू आप लोगों का। तो रशिया सीरीज को आज करते हैं ख़त्म और यूरोप की नई सीरीज को करेंगे शुरू थोड़े दिन बाद। तो थैंक यू आप लोगों का तहे दिल से। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।